लॉकडाउन की मार देश भर में सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ी है। लॉकडाउन में उनका रोजगार छिन गया, खाने और रहने को पैसे नहीं हैं। भूख से तड़प रहे मजदूर घर जाना चाहते हैं। वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके पास किराया नहीं है, हमें हमारे घर उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द भेज दिया जाए ताकि अपने घर परिवार के बीच जिंदगी गुजार सकें। हफ्ता भर पहले उपमंडल बल प्रशासन ने यूपी जाने वाले सभी मजदूरों के नाम दर्ज कर उन्हें घर जाने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक उन्हें भेजने का इंतजाम नहीं हो पाया है। इससे आहत होकर यूपी के ये बेबस और लाचार मजदूर शनिवार को जिलाधीश मंडी से मिले और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। दिव्य हिमाचल टीवी से रूबरू इन मजदूरों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द भेजने के प्रबंध किए जाएं। हम साहब 35-30 आदमी हैं। साहब हम प्रधान के पास भी गए, प्रधान दो चार जब पहले लॉकडाउन लगा था तो हमें राशन दिया, उसके बाद साहब दो तीन तीन चार बार राशन दिया, उसके बाद बोल दिया कि कोई राशन देना मना है, तो रति फुलका डांगों का। फिर साहब वहाँ से हमें भेजा SDM के पास, हम SDM साहब के पास भी गए तो वहाँ पर बोला इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो घर जाओ और नहीं पैसे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। साहब उसके बाद हम विधायक के पास भी गए जो इस टाइम BJP में जीता है, उसके पास भी गए, उसने भी बोला हाँ हाँ कर रहे हैं साहब, उसने भी कुछ नहीं किया, राशन को भी बोला राशन भी नहीं मिला। आज वो 15 दिन हो गया साहब राशन नहीं मिला है। अलखराम यहाँ पे दिहाड़ी मिलती है, सड़क सड़क में लग जाती है और मैं और कोनो काम हो मिल जाता है तो कह लेते हैं महाराज, अब जो काम मिला नहीं तो क्या करें, लॉकडाउन लग गया, फंस गए यहाँ पे, तो बच्चे मिल जाते। 27 तारीख को राशन मिला था और राशन भी ख़त्म हो गया, बच्चे दो चार बच्चे थे परिवार में तो कितने दिन तक चलेगा। तो अब सीधा हमको सर जी मदद किलो आटा चावल।